क्या आपने कभी सुना है आपके लिए किसी ने प्राण दिए, या आपके पापों की क्षमा के लिए किसी ने लहू बहाया, आपके शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, या आपकी चंगाई के लिए, मेरे चंगाई के लिए, सारे मानव जाति के चंगाई के लिए उसने 39 कोड़े खाए, या कभी किसी का नाम आपने ऐसा सुना जिसका अर्थ होगा परमेश्वर हमारे साथ। मेरे प्रिय, हो सकता है ये आपके लिए नया हो, थोड़े से अजीब बात हो। आज जिस चीज में आप रहते हैं, जिस संस्कृति में, विचारधारा में रहते हैं, उससे अलग हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन ये गलत नहीं हो सकता है। मैं आपको बताने चाहता हूं, आज से 2000 साल पहले किसी ने आपके लिए, मेरे लिए, सारे मानव जाति के लिए, उनके मानव जाति के पापों के क्षमा के लिए क्रूस पर जान दी, और उस प्राण के द्वारा, उस शरीर से लहू बहे जिस शरीर में पापों की छुटकारा थी, जिसकी मृत्यु आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए थी, जिस दंड को आपको और मुझको, आप और मेरे गुनाह के बदले हमें चुकाना था, किसी ने चुकाया। वो नाम और कोई नाम नहीं है, वो यीशु नाम है, और उस सब नामों में ऊंचा नाम है। वचन कहता है, बाइबिल कहती है, उसके लहू बहाने से आपने और मैंने छुटकारा पाया है, और उसका नाम स्वर्गदूत ने कहा, इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा, बचाएगा। और पतरस की पत्री, बाइबिल का एक पद ऐसा कहता है, उसके कोड़े खाए जाने से हमने चंगाई पाई है, और उस पर ताड़ना पड़ी ताकि सारे मानव जाति शांति को प्राप्त करे। हो सकता है आप दुख में होंगे, तकलीफ में होंगे, अशांति में होंगे, बीमारियों में होंगे। आप बहुत बार डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, यहां वहां दुनिया घूम चुके होंगे, थक चुके होंगे। आपको कभी लगता होगा मरने के बाद क्या होगा, मैं आपको बता देने चाहता हूं, यीशु ने इन सारे सवालों का जवाब अपनी मृत्यु और उसने प्राण देने के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा आप जीवन पाते, यदि आप और मैं विश्वास करते हैं कि यीशु आपके लिए, मेरे लिए मरा, उसके लहू में छुटकारा है, उसके कोड़े खाए जाने से आप चंगाई प्राप्त कर चुके। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप सचमुच में कोई भी बीमारी हो, तकलीफ हो, समस्या हो, उससे आप बाहर आ सकते हैं। अगर आप अशांति में हैं, उसका नाम जहां कहीं भी है, यीशु का नाम लीजिए, वो आपको शांति दे सकता है। मेरे प्रियो, हो सकता है आप आशा रहित है, यीशु आपके लिए आशा हो सकता है। वचन कहता है, चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है, चक्कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। हो सकता है आपको ये बकवास लगे, लेकिन मैं आपको कहूंगा एक बार, यीशु का नाम और यीशु के ऊपर विश्वास करके देखिए, आपका परिस्थिति बदलता है कि नहीं, आपके विचार ही बदलते हैं कि नहीं, आपका जीवन बदलता है कि नहीं। प्रभु आप सबको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।